हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नूतन सुरजो, मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों को करती हूँ वेलकम। आज मैं लेके आई हूँ कुछ डिफरेंट वीडियो नहीं, ये मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी कि हाउ टू कट स्मॉल फिश क्लेवरली एंड कुछ सामानों के साथ। तो पहले ही मैं आगाह करना चाहूंगी, जो लोग को ये सब चीजों से अच्छा नहीं लगता है, प्लीज वो लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। और आजकल का जमाना जो हुआ है उसमें ज्यादातर, मैं बंगाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा फिश खाती हूँ, हर दिन खाती हूँ, छोटा बड़ा सस्ता महंगा हर किस्म का मैं फिश खाती हूँ। लेकिन अभी का जेनरेशन जैसे है, उन लोगों को फिश कटिंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये वीडियो मैंने जब फिश लाई थी उसके दिन, वही दिन शूट करके रखी थी, लेकिन फिश कटने का साइड इफेक्ट भी मैं दिखा देती हूँ। देखिए मेरा हैंड्स पे यहाँ पे ये पूरा कट आ गया है, और ये आगे में भी कट है, और हाथ में जगह जगह में कट होती है। तो अपना, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं और कटिंग भी करते हैं, लेकिन उतना माइनर कटिंग होता है, मेजर कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब मुझे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें ज्यादातर लड़कियां बोलती है फिश कटिंग, ओ माँ गो, आमी माछ काटते पारी ना, माछ काटार जन्य तो अमर काजेर लोक ही आछे। तो जो लोग हिंदी बोलते हो शायद उन लोगों को समझ में नहीं आया, तो चलो बंगाली लोग तो समझ ही गए हो, तो इस बात पर लाइक कर दो और वीडियो को एंड तक देखिए। मैं 3 छोटे फिश और 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फिश कट करना आज दिखाऊंगी। और अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में जरूर कर दीजिएगा। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, और आप लोगों का जो मन का ख्यालात है, अच्छा बुरा या कुछ भी, वो जरूर कॉमेंट्स बॉक्स में लिख के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ऑलरेडी इंट्रो 2 मिनट से ज्यादा लंबा हो गया। ऐसे ही मौनी ऑन होने के बाद मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो बनाते रहूंगी और आप लोगों के सामने आती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू में मैं बताना चाहूंगी कि मैं फिश कटिंग करने के लिए यूज करती हूँ एक किचन सीजर का, और है ये अंजलिका कटर। शायद पुराने एक वीडियो में मैंने इसका लिंक डाली थी, और ये ना वैक्यूम वाला कटर है, इसको हम बांग्ला में बोठी बोलते हैं, और ये स्लैब में आराम से वैक्यूम के जरिए अटक के रहता है। मैं इस कटर के ज़रिए 2 किलो तक का भी फिश आराम से कट कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, मैंने फ़िश ले लिया। ऑलरेडी आप लोगों से बातें करते करते आप लोगों ने देख लिया कि पहले मैंने फ़िश का जो फिन है और टेल है उसको मैं कैंची से सब कुछ कटिंग कर लेती हूँ। देन ऐसे कटर के मदद से मैं पूरा इसका जो ऊपर का जो लेयर रहता है वो लेयर को अच्छे से हटा लेती हूँ, और देन इसको कटिंग करती हूँ। देखिए और एक बार दिखाती हूँ, मैं ऐसे कट करके फिर ऐसे इसका जो ऊपर का है ये अच्छे से निकाल लेती हूँ। और इससे क्या होता है ना, आपके हाथ में एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर भी नहीं पड़ता है, कटिंग के समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले अगर टेल और फिन आप निकाल लेते हो और उसके बाद इसका छिलका निकालते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से क्लीन निकल जाता है। तो देखिए ये एक पैटर्न होती है ये फिश को काटने के लिए, इसको बांग्ला में बोला जाता है पार्शे माछ। तो ये ऐसा कान का जो गिल का साइड है, वो गिल का साइड ऐसे निकाल के हम लोग कोई कोई फेंक देते हैं और कोई कोई नहीं भी फेंकते हैं। तो मैं आप लोगों को दोनों ही तरीका दिखाने की कोशिश करूँ। उफ, गिर गया हाथ से। तो चलिए, एक्चुअली ये स्लिपरी होता है और गिल हमेशा मैं फेंक देती हूँ। ये फेंक देना ही अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर कचरा रहता है और पेट के अंदर भी कचरा रहता है। तो ऐसा थोड़ा हल्का चीरा लगा के पेट के अंदर से अच्छे से उंगली डाल के पूरा क्लीन कर लेनी है। चलिए और एक फिश मैं आप लोगों को दिखाती हूँ झटपट से कैसे। पहले फिर से वही करना है, जो फिन और टेल है चारों साइड का वो अच्छे से निकाल लेनी है। देखिए ये पे भी है जो एकदम इसका चेस्ट साइड, सीना का साइड है, फिर इसको बांग्ला में पायु पखना बोलते हैं, जो लोग बायो लेके पढ़ते हैं उन लोगों को सारा नाम मालूम है। तो हो गया, अभी इसको मैं अच्छे से पानी से धो लूँगी तो हो जाएगा मेरा फिश क्लीन एकदम। देन दूसरा जो फिश है वो देखिए ये वाला फिश, कौन कौन जानते हो इसको प्लीज़ बताइएगा। इसको कहते हैं
बांग्ला में बान माच, और महाराष्ट्रियन लोग इसको बाम मच्छी बोलते हैं। और ये देखिए नुकीला एकदम इसका एकदम ऊपर साइड में कांटा होता है, और ये कांटा को निकालना होता है बहुत मुश्किल, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। इसको धोने जाओ तो हाथ में चुभता है, तो पूरा हाथ चीर जाता है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चलिए इसको हम अभी कट करते हैं। पहले क्या करना है ना, ये एक्चुअली ऐसा कटर के अंदर मदद से इसका बैक जो साइड है मच्छी को अच्छे से पकड़ना है, टाइट होल्ड करना है, नहीं तो ये बहुत फिसलता भी है। और ऐसे धीरे 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 ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसका नुकीला कांटा रहता है, हार्ड कांटा रहता है, उसको तोड़ना रहता है। लेकिन ये ना कटर से करते हो तो ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो देखिए मुझे भी हो रही है। एक्चुअली जो बिग फिश होता है ना, उसको अगर पकड़ के आप ऐसे करते हो तो आसानी से वो कट हो जाता है, लेकिन मेरा फिश का ना जो लेंथ था वो करीबन एक बिट था, मतलब 6 to 7 inches, 6 inch से ज़्यादा नहीं था। तो देखिए ये नहीं उठ रहा है, देखिए कैसा नुकीला आपको काटा दिख रहा है। तो डरिएगा नहीं, इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, इसके लिए ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, टाइट पकड़ा फिश को, पहले एकदम नीचे की ओर से टाइट पकड़ना है, नीचे कोई कांटा नहीं रहता है, सच ऑफ एस। तो देखिए, और मैं ऐसे कैंची से इसका जो कांटा है उसको मैं काट लिया, और ये देखिए इसका जो सर है उसको मैं निकाल दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इसके पेट के अंदर से कचरा निकालना बहुत मुश्किल है, तो जो हमारा हेड है वो हेड के वहाँ से थोड़ा लंबा चीरा लगा लेंगे तो पेट का जो कचरा है वो हम निकाल सकते हैं। और इसका जो ऊपर का जो लेयर रहता है बांग्ला में जिसको आंश बोलते हैं, जो लेयर रहता है स्किन का, वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, क्योंकि कहा जाता है ये फिश ना बहुत हार्डी होते हैं, और ये लोग बहुत शार्प पानी के, मतलब जो पानी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक रहता है वो पानी में भी ये लोग रह सकते हैं, इसकी वजह से ना बहुत टाइट है। और कहा जाता है कि ये फिश खाने से खून बढ़ता है। तो देखिए मैंने ऐसे कट कर लिया, और इसका पेट में से क्लीन नहीं हुआ था तो मैं सेम एस पेट का ऐसा चीरा लगा के इसके अंदर का जो कचरा था मुझे बाहर निकालना था, तो मैंने इसे खींच के, ये आसानी से नहीं निकलता है, तो इसको थोड़ा सा प्रेशर देके इसको मैंने निकाल लिया। लो जी ये निकल के आ गया मेरे हाथ में। चलिए और एक बार मैं आपको ये मच्छी कट के दिखाती हूँ। इसका नाम बांग्ला में बान है, और बान को इंग्लिश में कहा जाता है एरो, तो एरो फिश भी कह सकते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है। तो देखिए ऐसे टाइट होल्ड करनी है, इसको होल्ड करके ना इसका जो कांटा है इसको कैंची से आराम से कट कर लेनी है, ध्यान से पकड़ना है, कांटा हाथ में ना लगना चाहिए। बचपन में हम लोग देखते थे हमारे चाची बुआ ताई जो फिश कटते हैं, अभी भी शायद गांव के साइड में दिखने को मिलता है, जब ये लोग फिश कटिंग करते हैं ना तो इसमें चूल्हा का कुछ रख लेते। देखिए यहाँ पे एक शार्प है कांटा, इसको भी कैंची की मदद से मैं कट कर लूँगी। धोते समय बाई चांस अगर कुछ कांटा छूट जाए तो आपका हाथ वुंडेड हो सकता है, और एक बार कांटा से अगर वुंडेड होता है आपका हाथ तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और उसका पस भी निकलता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो बी केयरफुल। और देखिए ये जो ब्लांट एरिया है कटर का, उसको सामने रखते हुए हम लोग इसको घिस घिस के इसका जो स्किन है वो उसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसका स्किन भी बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सावधानी बरतिएगा तो ये फिश भी आप लोग घर में आसानी से कट सकते हो। और ये फिश खानी बहुत अच्छी होती है, इसमें कहा जाता है बहुत ज़्यादा खून सप्लाई करता है, मतलब खून प्रोड्यूस होता है, ऐसा सुना है, पता नहीं सच और झूठ। एनीवे फिश कोई भी हो खाओ तो उसमें गुण तो कुछ रहता ही है। देखिए मैंने ऐसे कट कर लिया, और ये देखिए अभी मैं धो भी लिया। धोने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास ऐसा डब्बा रहता है, एयर कंटेनर क्या बोलते हैं इसको, एयर टाइट कंटेनर, और मैं इसमें सारे फिश को अच्छे से धो के फ्रीज़र में रख देती हूँ। कम से कम 15 दिन तक मेरा फिश एकदम बहुत अच्छा रहता है, खाने लायक रहता है मेरा फिश। तो चलिए आ जाते हैं लास्ट फिश की तरफ। चलिए धीरे धीरे हम लोग गए हैं तीसरा जो फिश, छोटा फिश
वो कट करने के लिए। तो ये है टेंगरा माछ बोलते हैं हम लोग बंगला में। इसका भी एक ऊपर में काटा होता है जो होता है बहुत शार्प, और इसका देखिए ऐसा मुस्टैच होते हैं। इसको पहले मैं कैंची से निकाल लेती हूँ, और देन इसके ना ये देखिए इसका भी फिन मैं जो पहली वाली फिश कट किया था सेम वैसे ही मैं भी इसका जो फिन स्टिल है सब कुछ अच्छे से कट कर लूँगी। और देखिए ये वाला पोर्शन होता है बहुत हार्ड, देखिए कैंची से भी ये कट नहीं हो रहा है। तो इसको तो एक तो मैंने कैंची से इसको निकाल लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये एक तरीका है ये फिश को क्लीन करने का, लेकिन मैं जो तरीके से फिश को क्लीन करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। तो पहले मैं इसका गिल निकाल लेती हूँ, और पेट के अंदर सेम एज जो कचरा रहता है थोड़ा उंगली डाल के उसको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। तो चलिए दूसरा तरीका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले हम फिश को लेंगे और इसका जो पार्ट है इसको अच्छे से काट लेंगे, लेकिन इस बार इसका जो कान के साइड का हिस्सा है उसको नहीं कट करेंगे। उसको क्या करना है पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए ऐसे खींच के इसको थोड़ा पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाता है, बहुत ही नरम रहता है, और फिर इसको हम कटर के सहारे कट लेंगे और ये आसानी से निकल जाएगा, साफ भी हो जाएगा। हो गया टंटना। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और ये एक मैंने दिखाने का कोशिश किया कि कैसे आप इजी तरीके से फिश को घर में कट कर सकते हो, जो लोग कभी नहीं घर में फिश कटिंग किए हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा आए जैसे कि मैं जो दिन फिश खरीदने के लिए गई तो वो दिन जो कटिंग करके देती है उनके हाथ में लगा था चोट, जिसकी वजह से उनको फिश नहीं कट करना आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि ताई आज ऐसे ही ले जाओ, आई एम सॉरी। तो ऐसे हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग केजी दर केजी फिश को कटिंग करो घर में लाके, लेकिन कभी कभार अपने प्रैक्टिस के लिए कम से कम आधा किलो पौना किलो फिश लेके एक बार जरूर घर में कटिंग करने का कोशिश करिए। और हाँ, प्रिकॉशन हमेशा मेंटेन करिए कि आपको ज्यादा हाथ कटने का चांसेस ना आए, और जैसे कि मुझे यहाँ पे कट हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अब तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं नौतन सुजो आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, डू टेक केयर ऑफ योर चैनल टू। थैंक यू।